hello everyone i hope you are taking care of yourselves properly and side by side you are studying hard also so my dear friends today we'll start chapter 1 of class 6th okay the name of the chapter is food where does it come from this chapter is quite very simple and very interesting also so let's start my dear friends you all have heard that all living beings need food so what is food food hota kya है आप हर time food khate hain. हर time मम्मी food food बोलती रहती हैं सारे दिन उस food का नाम हमारे घर में चलता रहता है तो ये food है क्या do you know about food so Food is any nutrient-rich substance that a living organism eat or drink in order to maintain life and growth. Food is nutrient-rich substance hai. nutrients are? carbohydrates, fats, vitamins, minerals and water is also a nutrient. okay so. फूड इज़ अ न्यूट्रियट रिथ सब्सटेंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको खाते हैं कंज्यूम करते हैं किस लिए कंज्यूम करते हैं इन ऑर्डर टू मेनटेन लाइफ एंड ग्रोथ ओके अपने सर्वाइवल के लिए कंज्यूम किया जाता है फूड को हमारी बॉडी में ग्रोथ होती रहे इसलिए फूड को कंज्यूम करते हैं सो फूड इज नीडेड बाय ऑल लिविंग बींग्स जितने भी लिविंग बींग्स हैं चाहे छोटा लिविंग बींग हो या बड़ा लिविंग बींग हो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड फूड इज नीडेड बाय ऑल लिविंग बींग्स फॉर फोर रीजन्स चार कारण है जिसकी वजह से सबको सब लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए व्हाट आर दे फर्स्ट वन इज फॉर देयर ग्रोथ उनकी ग्रोथ के लिए फूड इम्पोर्टेंट है सेकेंड वन इज़ टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर डूइंग वर्क अगर आप प्रॉपरली खाना नहीं खाएंगे तो आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी अगर बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी तो आप एक्टिव नहीं रहेंगे और अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे तो आप कोई भी काम करने के लिए कैपेबल नहीं रहोगे तो हमें कोई भी काम करने के लिए क्या चाहिए होती है एनर्जी और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी फूड से तो हमें फूड ज़रूरी होता है दैट इज वाई फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लियर थर्ड पॉइंट इज फॉर द रिपेयरमेंट एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द डैमेज टिश्यू हमारी बॉडी बहुत सारे सेल्स से बनी होती है बच्चों ठीक है और ग्रुप ऑफ सेल्स बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बनाते हैं टिशूज़ ग्रुप ऑफ सेल्स इज़ नोन एज टिशू तो अगर हमारी बॉडी में कोई भी टिशू खराब हो जाता है तो उसको रिपेयर करने के लिए या उसको रिप्लेस करने के लिए हमें फ़ूड की रिक्वायरमेंट होती है क्लियर फोर्थ पॉइंट इज़ टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम किसी भी डिजीज़ से लड़ नहीं पाएंगे फाइट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे अंदर तो एनर्जी नहीं है अगर बॉडी में एनर्जी नहीं है तो कैसे फाइट करेगी बॉडी के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है और न्यूट्रिएंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं फूड से मिलते हैं तो अगर हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स ही नहीं होंगे तो हमारी बॉडी तो वीक हो जाएगी अगर बॉडी वीक है तो वो डिजीज से फाइट नहीं कर पाएगी ठीक है तो हेल्दी बॉडी के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट्स सो इफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट गेट फूड ही और शी फील्स वीक एंड इज लाइकली टू फॉल इल ऑब्वियसली अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आप में कमजोरी आ जाएगी और आप बीमार पड़ जाएंगे। तो आज से ये पॉइंट्स ध्यान में रखते हुए आप सब एक प्रॉपर डाइट लेंगे प्रॉपर फूड लेंगे इज़ दैट क्लियर नेक्स्ट इज डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट चॉइसेस ऑफ फूड हर ऑर्गेनिज्म को अलग अलग फूड पसंद होता है किसी को वनीला आइसक्रीम पसंद है किसी को स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम पसंद है इसी तरीके से हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग फूड पसंद होता है सबकी एक अपनी चॉइस होती है ओके okay? there is a wide range of food items eaten across various states of India. India के हर state में लोग अलग अलग खाना खाते हैं तो हम बोल सकते हैं food has a lots of variety. Okay. There seems to be so much variety in the food that we eat. अब आप सोच रहे होंगे कि what are these food items made up of? हम बार बार food food किए जा रहे हैं भाई ये फूड बना किससे है सो माई डियर फ्रेंड्स थिंक अबाउट राइस ओ आज घर में किचन में राइस बन रहा है ओके वी टेक राइस बनाने के लिए हम क्या यूज़ में लेते हैं क्या क्या चीज़ें लेते हैं वी टेक रॉ राइस एंड बॉइल इट इन वाटर और हम उसको बॉयल करते हैं वाटर में तो दो मटेरियल्स हमें चाहिए होते हैं राइस बनाने के लिए फर्स्ट वन इज रो राइस सेकेंड वन इज़ वाटर एंड डीज टू मटीरियल्स आर नोन एज इन्ग्रीडियंट्स ये दो मटीरियल क्या हैं इन्ग्रीडियट्स हैं ये हमारे राइस बन गए अब हमारे मन में आया कि हम खीर खाएँ हमारी इच्छा हो रही है हम खीर खाएँ तो खीर बनाने से पहले आपको उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या डालेंगे वो पता होने चाहिए उसके अंदर क्या क्या मटेरियल्स हम डालेंगे वो पता होना चाहिए ना तो हम क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं खीर बनाने के लिए फॉर मेकिंग खीर वी यूज फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स व्हाट आर दे रॉ राइस मिल्क शुगर नेक्स्ट वन इज ड्राई फ्रूट्स केसर ओके एंड मैनी मोर मटीरियल्स so these materials are known as ingredients so let's see the definition of ingredients ye one point mein aap teacher exam mein poochte so ingredients are materials needed to prepare a dish or food are called ingredients okay ingredients are the materials needed to prepare a dish or food are called it's ingredients

Thank you for listening and watching me.